नमस्कार, मैं विजय शंकर मिश्र। आप मुझे देख रहे हैं www.rjmala.com पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है ऑन एयर मेहमान। धन्यवाद, नमस्कार, और मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी, आपने सर एज अ म्यूजिशियन क्लासिकल म्यूजिक की प्रमोशन के लिए, अब आपने जैसे कहा कि आपकी 6 किताबें हैं मार्केट में, आपने इसका मतलब क्लासिकल म्यूजिक को प्रमोट करने के लिए अपनी तरफ से बहुत योगदान दिया। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि आपके ऐसे और कौन कौन से काम हैं जिनकी वजह से वाकई शास्त्रीय संगीत की प्रमोशन में मदद मिली है और लोगों की ग्रोथ के लिए या लोगों के आगे बढ़ने के लिए आपका काम बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल रहा? मुझे नहीं पता मैंने ऐसा क्या किया है, मुझे ये भी नहीं पता कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया है। मैं 2-3 बातें बताता हूँ। विद्वानों में एक क्या बात होती है, मैं खुद को विद्वान नहीं कह रहा हूँ, एक बात कहता हूँ, एक शब्द मैं अक्सर यूज करता हूँ, बौद्धिक विलासिता। शब्द समझ में आ रहा है? बौद्धिक विलासिता। बुद्धि जो है वो भी विलास करता है, समझे ना, या मानसिक विलासिता। हम बैठे हैं यहाँ लेकिन हमारा मन पता नहीं क्या क्या सोच रहा है, किसी लड़की के सपने देख रहा है, रंगीन ख्यालों में खोया हुआ है। तो मैं कभी भी अपनी विद्या का बौद्धिक या मानसिक विलासिता के लिए प्रयोग नहीं करता। मैं जो भी किताब लिखता हूँ इसलिए लिखता हूँ कि समाज को उसकी ज़रूरत है या नहीं। जिन जिन चीज़ों पर किताबें नहीं हैं, जिन जिन विषयों पर किताबें नहीं हैं, मैं अपने किताबों में उन विषयों को उठाता हूँ। अगर कोर्स चेंज हो जाता है और मुझे लगता है कि ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, कई बार मेरे पास लोगों के रिक्वेस्ट भी आते हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं, आप इस पे आर्टिकल लिखिए, और मैं लिखता हूँ। तो मैं जो भी करता हूँ समाज के लिए करता हूँ। मैंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए 13 एपिसोड का एक सीरियल बनाया। रेडियो के लिए जो भी सीरियल बनते हैं मनोरंजन प्रधान सीरियल बनते हैं, सिर्फ मनोरंजन की बातें होती हैं। मैंने रिसर्च बेस्ड सीरियल बनाया था, तबले का जन्म और उसकी विकास यात्रा। तबले की पूरी हिस्ट्री बदल गई उस सीरियल के बाद। लोग कहाँ के अमीर खुसरो ने तबला बनाया और बीच से फाड़ दिया पखावज को, ये सारी मतलब जो दंत कथाएं हैं, मतलब मनगढ़ंत बातें हैं, वो सारी हिस्ट्री बदल गई उस किताब को। बिल्कुल, तो सच्चाई क्या है सर? सच्चाई ये है कि तबला जैसा एक बहुत पुराना वाद्य हमारे यहाँ रहा है जिसका नाम पुष्कर रहा है, और वो 3 भागों में होता था, उसको त्रिपुष्कर कहते थे, पुष्कर त्रय भी कहते थे, और वो यूं बड़े साइज का 2 होता था जैसे तबला बाया होता है, और एक पखावज जैसा होता था जिसको गोद में लेके बजाते थे। तो ये दोनों जो ऐसे होते थे तबले बाएं की तरह उसको ऊर्ध्वक कहते थे, और जिसको पखावज की तरह गोद में लेकर बजाते थे उसको अंक कहते थे। अंक कहते हैं गोद, अंक में भर लेना, गोद में भर लेना, तो उसको गोद में रख के बजाते थे तो उसको अंकित कहते थे। मैंने तबले पर जब रिसर्च शुरू किया, लोगों ने जब शुरू किया तो इसके नाम को लेकर शुरू किया, तबला नाम कब से मिलता है। जब तक तबला नाम नहीं मिला तब तक तबला नहीं है, लोगों ने यह माना। मैंने उसके आकार और वादन शैली को लेकर खोज की। मैं आपको माला नाम से जानता हूँ, कोई आपको दूसरे नाम से भी जान सकता है, जो आपका बहुत नज़दीकी रिश्तेदार है वो आपको आपके घर के नाम से जान सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है जी। तो मैंने उस ढंग से खोज शुरू किया और मुझे मिला ऊर्ध्वक नामक वाद्य है, भरतनाट्य शास्त्र में इसकी चर्चा है, और तीनों वाद्य एक साथ बजते थे। 9वीं शताब्दी तक तीनों वाद्य एक साथ बजते रहे हैं, ऊर्ध्वक, हाँ, एक गोद में लेकर रहे हैं। इवन सारंग देव ने अपनी किताब में भी, संगीत रत्नाकर में भी उसका वर्णन किया है। और चूंकि ये वाद्य मिट्टी के बनते थे, विशालकाय होते थे, बड़े आकार के मिट्टी के बनते थे, इसलिए उसको लेकर आने जाने में असुविधा होती थी, इसलिए 13वीं शताब्दी से उसकी लोकप्रियता थोड़ी थोड़ी कम होने लगी, और जो 2 सामने रखते थे और एक जो गोद में रखते थे, ये दोनों 2 भागों में बट गए। 2 सामने वाला एक पार्ट हो गया और जो गोद में रखते थे दूसरा पार्ट हो गया। तो डग्गा क्या बना और तबला क्या बना उसमें? ऊर्ध्वक होता था जो दोनों सामने हैं,
उसमें एक को सव्यक कहते थे, आप नामों पर गौर कीजिए, एक को सव्यक कहते थे, एक को वामक कहते थे। सव्यक का मतलब हुआ राइट, वामक का मतलब हुआ लेफ्ट, वाम, ठीक है। तो सव्यक वामक, दाहिना बायां हम बोलते हैं ना, आंकिक, जिसको गोद में लेकर बजाते थे। अब लोग कहते हैं मृदंग, मृदंग किसी एक वाद्य का नाम नहीं होता था। उस समय सारे पर्कसन इंस्ट्रूमेंट मिट्टी के बनते थे। मृतिका मिट्टी को कहते हैं, मृत शब्द जो है मिट्टी का है, तो मृतक अंग मिट्टी से बनने के कारण सारे अवनद्य वाद्यों को मृदंग कहा जाता था। और जितने फूक से बजने वाले साज हैं सबको वीणा कहा जाता था, जितने स्वर के वाद्य हैं सबको वीणा कहा जाता था, बांसुरी को भी मुख वीणा कहा जाता था, ये ह्यूमन बॉडी को भी गात्र वीणा कहा गया है, शरीरी वीणा कहा गया है, क्योंकि हमारे शरीर से भी आवाजें निकलती हैं, तो उसको भी गात्र वीणा और शरीरी वीणा कहा गया। तो स्वर वाद्य जितने हुए सबको वीणा कहा गया, और पर्कशन जितने हुए सबको मृदंग कहा गया। लेकिन मृदंग का मतलब सिर्फ इतना है कि जो मिट्टी से बनता है, उसके अलावा अब मृदंग के अंतर्गत ढोलक भी आता है, मुरज भी आता है, पुष्कर भी आता है, तरह तरह के वाद्य आते हैं, समझे ना। तो ये अमीर खुसरो वगैरह वाली कहानी बिल्कुल गलत है। अभी तो जितनी भी किताबें हैं, अभी नहीं, पहले की, पिछले 10 सालों में जो किताबें आई हैं वो नहीं। और मैं आपको सबसे बड़ा प्रमाण बताता हूँ, अमीर खुसरो ने अपनी जीवनी लिखी है, एजाज खुसरवी, उसमें उन्होंने अपने सारे काम का वर्णन किया है डिटेल में। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैंने तबला बनाया, तबला उनके पहले भी था जी। ये नाम जो है ये 13वीं-14वीं शताब्दी में इसको मिला। अब जो सर आपकी लेटेस्ट बुक है जी, जिस पर आपने काम किया है और जो छप चुकी है, उसमें किस तरह का है? दो किताबें मेरी आई हैं हाल में। एक किताब को तो छपवाने में मुझे बहुत मुश्किल आई, क्योंकि म्यूजिशियन लोग मेरे अगेंस्ट थे कि एक किताब नहीं छपनी चाहिए। ऐसा क्यों? वो किताब है तबला, द रेयर कंपोजिशंस ऑफ द ग्रेट मास्टर्स। उसमें महान कलाकारों की जो बंदिशें हैं, बोल हैं, वो हैं उसमें। उसमें ऐसी बंदिशें हैं कि जिसके लिए मैंने तो खैर अपने पिता से सीखा, तो मुझे भटकना नहीं पड़ा। मेरे यार दोस्त भी बड़े अच्छे लोग हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि अरे विजय भाई आपकी एक कंपोजिशन मुझे बहुत अच्छी लगी है, ये आप मुझे दे दीजिए। उन्होंने मुझसे मांगा, मैं जहाँ भी बजाऊँगा आपका नाम लेकर बजाऊँगा। मैंने कहा नाम लो या न लो, क्योंकि मेरी बनाई हुई नहीं है, दूसरे लोगों की है, उनका नाम लेना, लेकिन बदले में अपनी भी एक कंपोजिशन मुझे दे दो। अच्छा। तो इस तरह, तो बहुत मुश्किल से जो चीज़ें मिली, और मेरे मित्र भी सब अच्छे अच्छे हैं, पंडित नयन घोष हैं, प्रोफेसर मुकुंद बाले हैं, पंडित शीतल प्रसाद मिश्र हैं, डॉक्टर मनोज मिश्र है, तो अच्छे अच्छे लोग हैं, सब क्वालिफाइड लोग हैं। तो उन लोगों की चीज़ों को लेकर, और जो मैंने अपने गुरु से सीखा, मैक्सिमम तो वो हैं जो मैंने अपने गुरु से सीखा, और उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैंने अपने 40 साल के शिक्षकीय जीवन में स्टूडेंट्स को बताने के लिए मैंने चीज़ें खुद बनाई, जो मेरी कंपोजिशन है, तो उन सारी रचनाओं को उसमें मैंने दे दिया है। किताब हिंदी अंग्रेजी दोनों में है। जैसे एक शब्द है तेटे, त है और ट है, तकिया वाला त, टमाटर वाला ट, अंग्रेजी में लिखेंगे तो आप TETE लिख देंगे, तो ते है या टे है किसी को कैसे पता लगा, तो इसलिए उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखा है। और कुछ प्रयोग भी किया है कि त है तो TE और ट है तो TEE, ये भी, और शुरू में इसको मैंने दे भी दिया है कि हाँ मेंशन कर दिया कि TE है तो आप इसको टे समझे, ऐसे करके। तो म्यूजिशियंस लोग और कि अरे भाई ये आपने क्या कर दिया, मतलब हमारे पास तो कौन आएगा सीखने के लिए, 500 रुपये की किताब कोई भी खरीदेगा और वो म्यूजिशियन बन जाएगा। लेकिन मैंने उस किताब में ही लिख दिया है कि ये किताब मैंने लोगों के रिक्वेस्ट पे बहुत छापा है, और केवल किताबों को पढ़कर, किताबों से सीखकर म्यूजिशियन नहीं बना जा सकता। ये कंपोजिशन उनके लिए है जो ऑलरेडी म्यूजिक जानते हैं जी। कोई नया विद्यार्थी उसे बहुत ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो सकता है, क्योंकि न हमारे तबले में 4 तरह से बजते हैं, कहाँ कौन सा न बजाना है
ये सीखने के लिए आपको गुरु के पास ही जाना पड़ेगा। तो ये दूसरी किताब जो है वो है आर्ट एंड साइंस ऑफ द तबला प्लेइंग। तो तबले को आर्ट तो माना जाता है, लेकिन इसका साइंस का भी एक पक्ष है, टेक्निक्स है, इसका भी फिजिक्स है, इसकी भी केमिस्ट्री है, समझे ना, किन बोलों के साथ किन बोलों का तालमेल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को लेकर दूसरी वाली किताब प्रकाशन विभाग ने छापी है, भारत सरकार ने, इसलिए उसकी कीमत भी बहुत कम है और 250 रुपये की किताब है और इस समय बुक फेयर में लगी हुई है जी।